Good morning, my dear children. I hope you all are doing great. Yes, today Uttama ma'am is back with one story in Hindi. Are you all ready to listen to a story? Let's start the story in Hindi. कहानी का नाम है चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवा। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत भूखी थी। वह अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की खोज में इधर उधर घूमने लगी। उसने सारा जंगल छान मारा। जब उसे सारे जंगल में भटकने के बाद भी कुछ न मिला तो वह गर्मी और भूख से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसकी नजर ऊपर पेड़ पर बैठे हुए कौवे के ऊपर पड़ी। उसके मुंह में रोटी का एक टुकड़ा था। कौवे के मुंह में रोटी देखकर उस भूखी लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वह कौवे से रोटी छीनने के उपाय सोचने लगी। उसे अचानक एक उपाय सूझा और तभी उसने कौवे को कहा, कौवा भैया, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम गीत बहुत अच्छे गाते हो। तुम्हारी सुरीली मधुर आवाज के सभी दीवाने हैं। क्या मुझे गीत नहीं सुनाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा को सुनकर बहुत खुश हुआ। कौवा लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया और बिना सोचे समझे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोल दिया। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। भूखी लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। यह देखकर कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। लेकिन अब पछताने से क्या होना था? चतुर लोमड़ी ने मूर्ख कौवे की मूर्खता का लाभ उठाया और अपना फायदा किया। बच्चों, ये कहानी हमारे लिए क्या संदेश लेके आई है? कोई बताएगा? मैं बताती हूँ। यह कहानी हमें सीख देती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। यानी अगर कोई हमारी झूठी प्रशंसा करता है तो उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी खुद की बुद्धि का उपयोग करके हमें सोचना चाहिए।